के वुहान शहर से दुनिया भर में फैले जानलेवा कोरोना वायरस पर जर्मनी की यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रहा है, जहां ये पता लगाया जा रहा है कि हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देने वाला ये वायरस इतना खतरनाक क्यों है। जर्मन की रूर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीफ्सवाल्ड के विशेषज्ञों ने इस खतरनाक वायरस पर एक स्टडी की है और 22 रिसर्च के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इन रिसर्च में ऐसे ऐसे फैक्ट सामने आए हैं जो इस वायरस के खतरनाक होने की हद को बयां करते हैं। आप भी जानेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। पहला फैक्ट, रिसर्च में सामने आया है कि ये वायरस दूसरे वायरसों से 4 गुना ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि इससे संक्रमित इंसान लंबे समय तक बीमार रहता है। दूसरा फैक्ट, ये वायरस सिर्फ संक्रमित इंसानों के संपर्क में आने से ही नहीं फैलता, बल्कि निर्जीव वस्तुओं से भी संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में हर वो चीज इस वायरस से संक्रमित हो सकती है जो सार्वजनिक जगहों पर पड़ी हो। तीसरा फैक्ट, ये वायरस लकड़ी, कांच, प्लास्टिक या धातुओं से बनी चीजों जैसे दरवाजा, गाड़ियों के हैंडल आदि पर 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। चौथा फैक्ट, कोरोना वायरस 4 डिग्री से कम तापमान में 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, जबकि 30 डिग्री या इससे ज्यादा के तापमान में इस वायरस के जीवित रहने की क्षमता कम हो जाती है। पांचवा फैक्ट, रिपोर्ट्स के अनुसार संक्रमित इंसान से किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने में करीब 15 सेकंड का समय लगता है। ये तमाम बातें साबित करती है कि कोरोना वायरस दूसरे वायरसों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे संक्रमित अधिकतर लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का शिकार हुए हैं। इस स्थिति में फेफड़ों में एक तरह का फ्लूड भर जाता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। किडनी खराब होने के चलते इंसान की मौत हो जाती है। ऐसे में जरूरत है कि इस वायरस के प्रति पहले से ही सावधानियां बरती जाएं। टीम खबर अपडेट।